आपके भक्तों को आपके छल से अवश्य मुक्त कराएंगे देवी संतोषी। हम उन्हें ये स्मरण कराएंगे कि वह मनुष्य एक सामाजिक पशु जो भावनाओं में बहकर खूंखार हो सकते हैं। मनुष्य पशु नहीं अपितु ईश्वर की वो रचना है जो संपूर्ण सृष्टि में अद्भुत है और हर मनुष्य में देव और दानव दोनों ही स्वरूप समिहित हैं और मनुष्य अपने विवेक से निर्धारित करता है कि वो क्या स्वरूप स्वीकारेगा। अंतर केवल इतना है कि आप उसे दानव प्रवृत्ति की ओर प्रोत्साहित करती है और हम उसे उसके दैविक रूप से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। नहीं देवी संतोषी, एक और अंतर है। आपकी भक्ति के लिए मनुष्य तप करता है, सीढ़ियां चढ़ता है, किंतु दानव की भक्ति के लिए उसे केवल नीचे गिरना होता है अपनी मर्यादा से। तो देखिएगा, शीघ्र ही इन सबका पशु चरित्र देखेंगे और तब हम विजयी होंगे। हमें प्रसन्नता होती यदि हम आपको विजयी होने का आशीर्वाद दे पाते, किंतु रहने दीजिए, आप तो बस आकर प्रसाद लीजिए, हमारे मंदिर में आई हैं। देवी संतोषी, हम आपकी बात का तात्पर्य भली भांति समझ रहे हैं। यदि हम आपके मंदिर आते तो भीतर अवश्य आते। ये अहंकार उचित नहीं है देवी संतोषी। देखिएगा, एक दिन हमारे भी मंदिर होंगे और यही भक्त हमारे मंदिर अवश्य आएंगे और इनके साथ आप भी आएंगे और हमारी आरती भी गाएंगे। वचन दीजिए देवी संतोषी, यदि हमारा मंदिर बना तो आप अवश्य आएंगे। वचन देते हैं असुर रानी पौलमी, हम आपके मंदिर अवश्य आएंगे।